कहना चाहेंगे कि यही बड़ बादशाह है, यहाँ आकर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। जो भी मनौती की थी वो अभी मैं पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ बड़ बादशाह के। बापू ने बरदादा पे शक्तिपात कर रखा है और सारा कार्य बरदादा भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कैंसर था मुझे लेकिन पूरा अच्छा हो गया। तो यहाँ आकर के अपनी सात परिक्रमा करके बापू से प्रार्थना करें और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के अंदर वड़ बादशाह पे आए, आप दिखाना चाहेंगे कि यही वड़ बादशाह है, यहाँ आकर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। तो आज बहन आई है महाराष्ट्र से, तो उनकी भी कुछ मन्नत थी यहाँ पर पूरी करने आए हैं, तो पहले उनका परिचय लेंगे। क्या नाम है? वनमाला सुरेंद्र सूर्यवंशी, महाराष्ट्र दुलिया से आई हूँ। जो भी मनौती की थी वह अभी मैं पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ बड़ बादशाह के लिए। तकलीफ मुझे कैंसर की थी बीमारी, कैंसर था मुझे लेकिन पूरा अच्छा हो गया। बीच में ये कोरोना की महामारी आई, इसीलिए मैं 2 साल तक नहीं आ पाई आज तक। निकाल सब कुछ अच्छा, रिपोर्ट निकाली तो कैंसर नहीं है, नहीं है अभी, नहीं है। तो आप देख रहे हो कैंसर था माताजी को, महाराष्ट्र के रहने वाले काका जी से बात करेंगे, बड़ बादशाह की सेवा करते। दादाजी कैंसर था बोले, आकर मनौती ली थी और मनौती पूरी करने आए, बोले अभी कैंसर नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, बापू जी के भक्तों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि यहाँ जो भी मनोकामना व्यक्ति अपनी मानता है उसकी पूरी होती है। बापू ने बरदादा पे शक्तिपात कर रखा है और सारा कार्य बरदादा भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बापू जी कहते हैं मुझसे चाहिए है तो मैं तो मुक्ति तक देने के लिए तैयार हूँ। संसार की कोई समस्या परेशानी है तो बरदादा पर जाइए, वहाँ अपनी मन्नत मांगिए और आपकी मन्नत पूरी होगी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी ये बहन आई है, इसके पहले एक बहन और आई थी, वो भी अभी मन्नत पूरी करके अभी यहाँ से गई है। मतलब खाली कोई नहीं, खाली यहाँ से कोई नहीं जाता है, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे शारीरिक रोग का हो या किसी को बच्चा की ज़रूरत हो वो भी मिलता है। शादी लोगों को नहीं होती हैं वो भी मनौती लोग अपनी लेते हैं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब एक्स वाई जेड ज़्यादातर जिस प्रकार से कोई प्रॉब्लम कोई समस्या इस संसार में लोगों की अगर है तो यहाँ आकर के अपनी सात परिक्रमा करके बापू जी से प्रार्थना करें और उनकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, नहीं जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सबके सामने यहाँ। ये तो बहन अभी आई है, इसके पहले जस्ट आप लोग आए हैं, इसके कुछ ही मिनट पहले एक अभी बहन वो भी अपना पूरा करके गई है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कोई केवल बापू के भक्तों की मनोकामना पूरी होती है? वो तो मैंने पहले एक बार बताया था, लखनऊ से एक मुसलमान औरत आई थी, उसके हिंदुस्तान क्या उसने कैसी कोई जगह नहीं, पीर पैंगर कैसे नहीं दिखे जहाँ उसके बच्चा, उसका सबने मना कर इसके बच्चे नहीं होंगे। और अपनी साधक डॉक्टर थी लखनऊ में, उसने उसको सूरत में भेजा, वो यहाँ आई मुझसे मिली, मैंने उसको यहाँ पर संकल्प करा दिया। 6 महीने बाद जब यहाँ वापस आए तो काका जी मेरे बच्चा पेट में है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? मुसलमान लोगों के भी काम, कोई भी हो। एक और एक भाई अभी और आता है, अभी लंबा लंबा दाढ़ी वाला है, वो भी करीबन मतलब जम सम में हफ्ते में 2-3 बार तो आता ही आता है। किसी को भी मन्नत अगर कुछ कोई प्रॉब्लम कैसी भी हो, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो उसके लिए तो कोई भी, चाहे भगवान भी उतर आए चाहे अल्लाह मियाँ उतर आए, उसका पूरा नहीं होगा। और श्रद्धा विश्वास है तो सच्चे मन से अगर कहीं भी आप यहाँ अगर आते हो अपनी मनोकामना रखते हो तो पूरी होनी 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 ही है। आपने देखा आज संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर ही वड़ बादशाह है, वड़ बादशाह पे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं और अपनी मन्नत मांगते और मन्नत भी पूरी होती है। बहन प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब कैंसर था वो आए यहाँ मन्नत ली और कैंसर अभी एकदम पूरा हो गया, मतलब एकदम स्वस्थ हो गई है बहन। तो ये जीता जागता उदाहरण है।